शासन के मनसा अनुरूप पुलिस महकमा तीसरी आंख की भांति आपराधिक गतिविधियों पर लगातार नजर गड़ाए बैठा है। इसी बीच खरगोन जिले में 8.5 किलो गांजे सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामला भगवानपुरा क्षेत्र का है, जहां थाना प्रभारी वरुण तिवारी को सूचना मिली कि 2 बदमाश गांजा लेकर जा रहे थे। थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेकर इंदौर रेंज पुलिस महानिरीक्षक विवेक शर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में टीम गठित करके भुलवानिया संतोषी माता के समीप 2 लोगों को धर दबोचा। इस दौरान पकड़े गए 2 आरोपियों से 8.5 किलो गांजा जब्त करते हुए पुलिस ने मादक पदार्थ क्रय विक्रय परिवहन की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। मीडिया को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के अंतर्गत आरोपियों को पकड़ा है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय जोन इंदौर और DIG महोदय खरगोन के मार्गदर्शन में जो मादक पदार्थों के विरुद्ध हम लोग विशेष मुहिम चला रहे हैं, इसमें लगातार गत माह से हमारा लगातार जो है कार्रवाई चल रही है और इसमें कल भगवानपुरा थाना पुलिस द्वारा हमारे थाना प्रभारी वरुण तिवारी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई, जिसमें 2 व्यक्तियों को 8.5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया, उनकी मोटरसाइकिल जब्त की गई है। ये दोनों लोग भुलवानिया ग्राम के हैं, जो हमारे महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है। ये लोग लगभग रात्रि में 9 बजे के बीच महाराष्ट्र से 8.5 किलो गांजा लेकर के इंदौर की तरफ जा रहे थे। इसकी सूचना प्राप्त होने पर हमारी टीम द्वारा दबिश देकर इन लोगों को हिरासत में लिया गया, इनकी तलाशी ली गई और तलाशी में जब गांजा पाए जाने पर अवैध रूप से मादक पदार्थों का जो एक्ट है NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, दोनों का रिमांड लिया गया है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, महाराष्ट्र से बता रहे हैं आप, ये जहां से लाए उन पर भी कोई कार्रवाई की जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। ये इस संबंध में पिछली बार भी जो है ये महाराष्ट्र से ही आना पाया गया, हमारी टीम लगातार मूवमेंट में है और हम इनके जो मूल स्रोत है वहां तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।